हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे आप सब, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से। तो दोस्तों, आज जिस वीडियो का मैं रिएक्शन लेके आई हूँ वो है कपिल शर्मा शो का एक पार्ट, जिसमें मूवी चमकीला एपिसोड बचा हुआ कंटेंट, मतलब जो कंटेंट नहीं डाला वो कंटेंट है इसके अंदर। दिलजीत दोसांझ एंड परिणीति हैं इस वीडियो में। तो जल्दी से हम ये वीडियो देखते हैं, एंजॉय करते हैं, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर लें। और इतनी टेंशन भरी जिंदगी में, टेंशन भरे दिन में अगर हम थोड़ी बहुत देर हंस लेंगे तो क्या ही बिगड़ जाए। अगर कपिल शर्मा तो एक ऐसे इंसान है जो मतलब कोई बहुत ज़्यादा उदास है ना, उसको भी हंसा ही देते हैं। तो हम ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद इसके बारे में बताएंगे। क्या हुआ, कुछ चुभा? है? क्या ठीक है? मैंने ये जब शो की टिकट ना फ्री में आए उन लोग। पहले तो आपको मुबारकबाद फॉर योर अचीवमेंट्स। हम देखते रहते हैं आपके लाइव शोज, आपकी फिल्में, जो भी आप करते हो। दिलजीत पाजी को मैं 20 साल से कम मैं पाजी आई थिंक 2004 या 5 में मैंने आपका पहला गाना सुना था, पढ़ दिया कुछ और। हाँ जी, हाँ जी। आप ऐसे कैसे हो? स्लिम? आपका नहीं वजन बढ़ता? मेरा वो मेटाबॉलिज्म ठीक है। नेटफ्लिक्स का एक इवेंट था ना जिसमें स्लेट लॉन्च थी, सारे कौन कौन से शोज आ रहे हैं, तो लोगों ने कहा कि चमकीला के ऊपर फिल्म बन रही है, तो जाकिर हुसैन के ऊपर भी डॉक्यूमेंट्री बन रही है। मैंने कहा नहीं, तो कहते आए क्यों है? तो मैंने कहा वो नहीं आए, वो इम्तियाज सर है। इम्तियाज सर, जितनी डिटेलिंग में आपने काम किया फिल्म में ना, वो पंजाब वापस वो दिख गया। वो टेंट लगते थे, शादियां होती थी, सिंगर आते थे, और वो कैसेट वाला दौर जो हमने देखा है। अच्छा, उस टाइम पे ना जवान लड़के कैसे गाने सुन रहे हैं, वहां से उनका स्टेटस पता चल जाता था कि अगर तो वो मैंने प्यार किया आशिकी के गाने सुन रहे तो समझ जाओ इनका कहीं और अगर शराब पी गए वो पंकज उदास वाली गजलें सुन रहे हैं तो पता चल जाता था कि इनकी जो सेटिंग थी वो किसी सरकारी नौकरी वाले के साथ शादी हो गई। खुद ही ले रहे हैं। ऑर्केस्ट्रा देखे भाजी आपने बचपन में? बिल्कुल। आपको, आप खुद लिखते हो, गायक हो, देखे होंगे ना आपने बहुत सारे। बहुत बहुत, बहुत। जाते थे आप ऐसे मेले वेले में देखने? हाँ बिल्कुल जाते थे। हाँ बिल्कुल, बारी नहीं आती थी कई बार तो देखने की। मढाली मेला लगता हूँ गुरदास मान साहब आते होंगे है ना, ते वो कंधा इन उच्चे उच्चे साड़ी तो चढ़े नहीं सुनता, निकले न्याणे होंगे से बाहरों खड़े सुनी जाते की गल है ना। तो कदम सोचा सी अभी भी अंदर जावे पर पता नहीं सी। चलो महाराज की कृपा, देखो आज नन्हे शुक्र क्या बात है। एक्चुअली इम्तियाज सर उस समय ना म्यूजिक, मतलब किसी के घर में म्यूजिक सिस्टम होना तो लग्जरी होती थी बड़ी। वीसीआर तो जिस रिश्तेदार के घर में होता था वो तो बात ही नहीं करते थे। अच्छा मुसीबत ये है कि जिसके घर में वीसीआर है कूलर भी उसी के घर में होता था। तो गर्मियों में वो लगा के ऊंची आवाज में वो फिल्में देखते थे, हमें बुलाते नहीं थे। देखो सर, हमारे मोहल्ले में शादियां होती हैं पंजाब में, ज़्यादा से ज़्यादा बाहरली सड़क रोक ली या अपनी गली रोक ली और लोग एतराज ना कर लें इसलिए उनको भी इनवाइट कर लेते हैं है ना, कि आप स्कूटर बाहर लगा देना, बारात चली जाएगी तो आप ले आना। और जिसको आप नहीं बुलाते शादी में वो फिर टेंट के ना साथ साथ बीड़ी से निकल के निकलता है, वो टेंट के अंदर बैठे मेहमान पकौड़े खा रहे हैं, जानबूझ के हैंडल सर पे मार के निकलता है। ऐसे होता है हमारी शादियों में। तू पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा है, तूने ही हैंडल मारे होंगे कुछ लोगों। हाँ, लड़के की बुआ बैठने बालों में ऐसे फूल लगा के पकौड़े खा रही है तो बाहर टेंट से गाय मुंह डाल के जूड़ा खा जाती है। ऐसे होता है। सर आप रहमान साहब का, आपकी जोड़ी काफी पुरानी है, जब आप ऐसे अभी इसके लिए गए तो आपने उनको बोलते हैं अभी हर बार आप ही के पास आते हैं ठीक ठीक लगा लो? अगली बार बोलूंगा सर। ओके, कपिल जी ने कहा है अब ठीक ठीक लगाना इस बार। अच्छा रहमान साहब, हर आदमी चाहता है कि रहमान साहब से म्यूजिक कराएं, डिमांड भी बड़ी है, डिलीवर भी कर देते हैं। सर जैसे ना हमारे अमृतसर में एक पूड़ियों की दुकान है बड़ी मशहूर है, वो ना फिर क्या करता है, लाइन लगी रहती है सुबह सुबह 9 से लेकर दोपहर 1 बजे तक की। तो वो क्या करता है, आधी पूड़ियाँ बेल के रखता है कि एकदम से ग्राहक आएंगे तो फटाफट तल के बाहर।
तो रहमान साहब की भी इतनी डिमांड है, वो भी आधा मुखड़ा मुखड़ा बना के रखते हैं पहले। इम्तियाज के लिए आएंगे तो उनको ये दे देंगे, ऐसे ही पूछ रहा कि वो आए नहीं, तो मैंने कहा चलो आपसे पूछ लेते हैं। सर मैं भी यही सोच के गया था कि पूरिया आधी वो तो कम से कम बेल के रखेंगे। हाँ। नहीं वो तो आटा लेने जाते हैं पहले सर। सही बात, वो बहुत शुरू से शुरू करते हैं। तो एक्चुअली उनका ऐसा है नहीं, बल्कि उनके पास कोई भी बैंक नहीं है, उनका अगर बैंक है वो मेरे पास है। अच्छा। मैंने 4 फिल्में की हैं उनके लिए, 25-25 उन्होंने ट्यून्स बनाई थी, बाकी ट्यून्स मेरे पास है सर। किसी को अगर जरूरत हो और रहमान सर नहीं मिल रहे हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर दो। मेरे को उस दिन रहमान साहब मिले थे, मेरे को उन्होंने बोला कुछ, बोले आई कॉल्ड यू, मैं कहा फॉर व्हाट सर, बोलते आई कॉल्ड यू फॉर चमकीला, कुछ गवाना होगा पता नहीं क्या, भगवान जाने, हो सकता है। हाँ, नहीं वैसे ही मेरे को मीठी गोली दे गए। नहीं नहीं बगर उन्होंने कहा था हमें कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, बल्कि उन्होंने मुझे ये बात बताई कि पर उन्होंने सीरियसली बोला मुझे। हाँ तो मैंने कहा सर पता नहीं हम कहीं बाहर बाहर थे शायद बात नहीं हो पाई, मुझे बड़ा दुख लगा सर, मैं सारी रात रोया आके बाहर। बड़ी माड़ी गल होगी। पर उन्होंने भी यही कहा कि अगर दिलजीत जी ने नहीं किया होता ना तो फिर आप ही कर सकते, एक ही और चॉइस थी। पर ये आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ? पाजी दिलजीत पाजी आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। नहीं आनी चाहिए ना। नहीं आनी चाहिए, पाजी का वॉल्यूम बढ़ाओ थोड़ा। दिलजीत का पहले वॉल्यूम चेक करो। वॉल्यूम हाँ 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 पाजी आप गाना तो चलाओ। ओके तो जब मैं पाजी को बताऊंगा आपने नहीं मेरी तरफ देखना, ठीक है? मौसम बड़ा रंगीला है। मौसम बड़ा रंगीला है। पजामा रंगीला है, पजामा ढीला होगा मेरा। काफी हो गया ना। मौसम बड़ा रंगीला है। मौसम बड़ा रंगीला है। बड़ा मौसम बड़ा रंगीला है। बड़ा रंगीला है। रंगीला है मौसम बड़ा रंगीला है। पजामा ढीला है। पजामा ढीला है। उनको बताना। हाँ। मौसम मौसम बड़ा बड़ा रंगीला रंगीला है। है मौसम बड़ा रंगीला है। नेक्स्ट लाइन। पजामा पजामा ढीला है। ढीला 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 है। है मौसम बड़ा रंगीला है, पजामा ढीला है। धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये वीडियो इतनी थी, और बाकी अगर आपको इनके एपिसोड्स देख रहे हैं तो नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं। और बहुत ही मतलब मेरे को तो ये लगा था कि कुछ गलत मलत बोलेंगे, मतलब समझ नहीं आएगा, लेकिन परिणीति चोपड़ा ने तो बिल्कुल सब कुछ सही सही बोल दिया, उनको सब समझ आ गया था। लेकिन बहुत ही एंटरटेनिंग था ये, बहुत ही मजाक मस्ती चलती है शो में। अगर आप लोग कभी लो फील कर रहे हो, मन नहीं लग रहा हो, तो ये शो देख लिया करें, सच्ची बहुत अच्छा फील होता है। मेरे को तो सिर्फ कपिल की बातों पर ही हंसी आती है, सीरियसली। मैं मतलब मेरे को इतनी जल्दी हंसी आती नहीं है, जब भी आएगी तो कपिल की बातों पर ही हंसी आती है। तो मुझे वीडियो अच्छी लगी, आप लोग कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय।